तो क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड टू तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड थ्री को सॉल्व करते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे देखिए इसमें कहा जा रहा है कनेक्टेड ए बी कैन सलाइड विदाउट फ्रिक्शन एलोंग द पैरेलल शेप्ड कंडक्टर लोकेटेड इन हॉरिजेंटल प्लेन द कंडक्टर हैज लेंथ एल मास एम एंड रेसिस्टेंस कैपिटल आर द होल सिस्टम इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी डायरेक्टेड वर्टिकली एट द मोमेंट इक्वल टू जी रॉक कॉन्स्टेंट ऑरिजेंटल फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द कनेक्टर शिफ्टिंग इट ट्रांसलेसन वाइज टू द राइट फाइंड हाउ द वेलासिटी ऑफ द कनेक्टर वेरिज विथ टाइम मीन्स एक कनेक्टर था जो कि रेस्ट में था उस पर एफ फोर्स लगाया जाने लगा तो उसका वेलासिटी बढ़ेगा इसका वेलासिटी टाइम के साथ क्या होगा वेलासिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है द इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द पैल कंडक्टर आर एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल ठीक है लेकिन रेसिस्टेंस जो है कनेक्टर का रेसिस्टेंस कैपिटल आर है फोर्स इस पैफ लगाए जाने वाला का इनिशियली ये रेस्ट में था ठीक है तो आप यदि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कि जैसे मान लेते हैं इस सिस्टम का रेसिस्टेंस आर है यहाँ पर आप रेसिस्टेंस माने या इस कनेक्टर का बात बराबर ही है और इस पर फोर्स एफ लगाया जाने लगा किसी जनरल टाइम टी पे टी टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो वी हो जाता है ठीक है तो वी के कारण इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा डैट इज कॉल्ड बी वी एल इसमें यदि वेलोसिटी वी आ जाता है किसी जनरल टाइम टी पे तो ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल करेंट हो जाएगा बी वी एल बाई आर ये करेंट हो जाएगा और इस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा ये हो जाएगा आई एल बी तो आई निकला हुआ है एल बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर है ना ये देखिए कैसे हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज डेट इन टू द बोर्ड था ओके और इसका वेलोसिटी इधर है तो इसमें जो ईएमएफ जो चार्ज का इंडक्शन होगा क्यूबी क्रॉस बी तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा नीचे निगेटिव चार्ज जाएगा करेंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा और करेंट यदि ऐसे फ्लो करेगा तो आई एल क्रॉस बी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आएगा जो कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी वाई आर के बराबर होगा ठीक है अब आपको इक्वेशन लिखना है तो मैग फोर्स इस तरफ हो गया मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ हो गया तो फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स डैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन हो जाएगा ठीक है मास इंटू एक्सलेशन को डी वी बाई डी टी वी को डी वी ए को डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं फोर्स माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डैट इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सलेशन है ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं एम इंटू डी वी बाई डी टी कुछ ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है अब उस इक्वेशन से थोड़ा और उसको हम सॉल्व करें तो हम लोगों को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा कितना मिलेगा देखिए एफ आर माइनस एम स्क्वायर सॉरी ये बी है एम नहीं है यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डेट इज इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी आएगा ओके okay, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए ये एम इंटू आर आ जाएगा और ये तो एम वन बाई एम इंटू आर इंटू डी टी डैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा डी वी बाई एफ इंटू आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी कुछ इतना आएगा ठीक है अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉन में आएगा ये आ जाएगा टी बाई एम आर और यहाँ पे इसका लॉन में इंटीग्रेशन आएगा क्या आ जाएगा देखिए बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी है ओके तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आएगा लॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ठीक है और ये वाला टर्म्स आपको डिवाइड करना होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन था इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी जीरो से वी तक है ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो ये इस तरफ आ गया तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर ठीक है यहाँ पे आ गया जब आप वी पुट करोगे तो ये आ जाएगा लॉन एफ आर माइनस बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई जब आप जीरो पुट करोगे तो ये जीरो तो नीचे एफ आर आ जाएगा है ना तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा ऐसा करते हैं बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पे एक टी भी है बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर को हम लोग अल्फा एज्यूम करते हैं जब आप आंसर देखोगे इस क्वेश्चन का तो उसमें इस टर्म को अल्फा एज्यूम कर लिया है ठीक है तो हम लोग भी अल्फा इस टर्म को एज्यूम कर लेते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर को तो ये यदि अल्फा हो गया तो ये माइनस अल्फा टी हो जाएगा माइनस अल्फा टी डैट इज इक्वल टू ये आ गया लॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई एफ आर आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से लॉगरिथम आप हटा दो तो ये एक्सपोनेंशियल में टर्म में ब्रेक हो जाएगा अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है और कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा तो ये आ जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एफ आर इज इक्वल टू ई टू माइनस अल्फा टी ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वन माइनस बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एफ इन टू आर तो ऐसा करते हैं एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर को हम लोगों ने अल्फ़ा ऑलरेडी माना था ठीक है इसलिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर को हम लोग अल्फ़ा एज्यूम कर सकते हैं तो ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी और यहाँ पे हो गया अल्फा ये अल्फा हो गया तो वन माइनस ये हो गया अल्फा एम अल्फा वी बाई एफ है ना वी एल स्क्वायर एल एक्वायर को हम लोगों ने अल्फा मान लिया तो ये हो गया माइनस वी तो इस तरीके से टू अल्फा टी आ गया और यहां से आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा तो वेलोसिटी का एक साफ सुथरा इक्वेशन यहां से आपको मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या मिल जाएगा भाई वन माइनस ई टू दावर माइनस अल्फा टी इंटू एफ़ बाई एम इंटू अल्फ़ा दिस इज द वेलास्टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एफ बाई एम अल्फ़ा इंटू वन माइनस ई टू दी पा माइनस अल्फ़ा टी ये आ जाएगा वेलॉस्टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है तो इस तरह का प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको ये रेल रोड प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूछा जाता है उसका जो इरोडो में दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद अलग तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा तो रेल रोड प्रॉब्लम पे बेस्ड ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं थैंक यू